हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्लोट्राइमाजॉल मेडिसिन के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में और करेंगे उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी ये लेक्चर में और सीखेंगे उसके यूज़ वगैरह क्या होते हैं किस तरह से ये अपना काम करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशनस वगैरह को जानेंगे ये लेक्चर के अंदर डिटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मरॉक्स थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करें फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर सर अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझते हैं क्लोट्राइमाज़ोल मेडिसिन के बारे में उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्लोट्राइमाज़ोल ये कौन से टाइप का मेडिकेशन है तो क्लोट्राइमाज़ोल को हम एंटी फंगल मेडिकेशन कहते हैं ये खास याद रखें इट इज़ ए एंटी फंगल मेडिकेशन मतलब कि जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शन्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है ये यूज़ किया जाता है तो बाकी बाजू में जो उसका कंटेनर है कि क्लोट्राइमाज़ोल का जो पाउडर है उसका ये आप देखो तो एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल जो उसकी एक्शन लिखी हुई है तो प्राइमरी ये एंटी फंगल मेडिकेशन है एंड एंटी फंगल एंटीबायोटिक ड्रग जो है उसको कहा जाता है एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द येस्ट इन्फेक्शन्स यस्ट कि जिसको हम फंगल कहते हैं तो इसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है तो जो यस्ट के कारण होने वाले जो अलग अलग जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाज़ोल जो है वो यूज़ किया जाता है तो वो एजोल डेरिवेटिव कहा जाता है एंड इफ़ेक्टिवनेस उसकी रहती है टॉपिकली तो इसीलिए देखो बाजू के जो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि क्लोट्राइमाज़ोल का एब्जर्बंट डस्टिंग पाउडर अवेलेबल है कि जो पर्सन डायरेक्टली जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे डायरेक्टली टॉपिकली ये पाउडर को जो है वो लगाते हैं कि जैसे कोई नॉर्मल आप कोई कॉस्मेटिक पाउडर लगाते हैं अप्लाई करते हैं सेम लाइक दैट ये डस्टिंग पाउडर भी आपके जो स्किन के आउटर लेयर्स के ऊपर आप लगाते हैं कि जिसको कहा जाता है टॉपिकल प्रिपरेशन और ये एजल डेरीवेटिव क्लास का एंटी फंगल एंटीबायोटिक मेडिकेसन है तो इमिडाज़ोल रिंग कंटेनिंग मेडिसिन उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर जो होता है केमिकली तो दैट इज़ ए इमिडाज़ोल एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट द स्किन इन्फेक्शंस कोज बाय ए फंगस येस्ट एंड कैंडिडा आल्बिक्स कि जो पॉपुलर दो फूग कि एक है कैंडिडा आल्बिक्स कि वो भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी तरह से ये येस्ट तो येस्ट और कैंडिड आल्बिकेंस दोनों से होने वाले बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये क्लोट्राइमाज़ोल जो है वो यूज़ किया जाता है तो ये था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि एंटी फंगल एंटीबायोटिक है उसके अंदर एजोल डेरिवेटिव कहा जाता है इमिडाज़ोल रिंग उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है और जो स्पेशली येस्ट होते हैं एंड कैंडिड आल्बिकेंस जैसे जो फंगल होते हैं उसके कारण होने वाले स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाज़ोल यूज़ किया जाता है तो उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म यहाँ पे हम समझते हैं तो उसका ये डस्टिंग पाउडर अवेलेबल होता है तो ये आप क्लोसिव कप करके जो देख रहे हैं फॉर्मुलेशन क्लोसिव की जो एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल है और उसके जो मेन मैन्यूफेक्चर है वो है सीपला तो ये था उसका फर्स्ट डोजिस फॉर्म की जो है पाउडर उसी तरह से कैंडिड करके भी उसका डस्टिंग पाउडर मार्केट के अंदर अवेलेबल है कि जो फंगल इन्फेक्शन प्रिकली हीट वग़ैरह साथ साथ जो इचिंग होते हैं स्किन इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे भी देखो उसके ऊपर लिखा है कि एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर के जिसका नाम दिया हुआ है कैंडिड तो ये हो गए उसके दो पाउडर डोजेस फॉर्म उसके अलावा उसकी वज़ाइनल सपोजिट्रीज भी अवेलेबल है कि जो वज़ाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होती है कि जो वजाइनल टैबलेट्स होती है वजाइनल सपोजिटरीज होती है वजाइनल क्रीम उसी तरह से ये जो है उसके अलग अलग ये आप देख सकते हैं कि जो क्लोट्राइमाजोल के क्लिंडामाइसिन के साथ कॉम्बिनेसन में उसका ये डोजेस फॉर्म अवेलेबल है कि जिसको हम कहते हैं वजाइनल सपोजिटरीज उसी तरह से उसके वज़ाइनल टैबलेट्स जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वजाइनल टैबलेट्स है 100 एम की स्ट्रेंथ के अंदर और उसमें भी लिखा है कि एंटी फंगल एंड एंटी ट्राइकोमोनल उसकी एक्टिविटी रहती है और ये भी क्लोसिप उसका नाम है कि जो सिपला उसको डिजाइन करती है जिसके कारण तो उसका ब्रांड नेम सेम है फिर जो क्लोट्राइमाजोल का एक और पॉपुलर डोजेस फॉर्म है वो है उसके ट्रॉचे मतलब कि जो लॉजेंजिस वगैरह आती है तो ये जो लॉजेंजिस जो होती है कि जो टैबलेट जो है वो डायरेक्टली आपको ओरल कैविटी के, के में रख के उसको चबा नहीं होता है उसको स्वेलो नहीं करनी होती तो इस टाइप के ये लॉजिन जिस टाइप के भी डोजेज फॉर्म अवेलेबल होते हैं क्लोट्राइमाज़ोल के एंड ये वाला एक और पॉपुलर कि क्लोट्राइमाज़ोल की ये क्रीम की जो वन परसेंट क्रीम रहती है और ये भी क्लोसिप मतलब कि इसको भी सिपला ही मैन्युफैक्चर करता है तो क्लोट्राइमाज़ोल आप देख सकते हैं कि अलग अलग डोजेज़ फॉर्म के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है कि एक उसका ये पाउडर डोजेज़ फॉर्म अवेलेबल है तो ये दो पाउडर्स आप देख सकते हैं फिर सपोजिटरीज उसकी अवेलेबल है उसके बाद वजाइनल टैबलेट्स अवेलेबल होती है उसके ट्रॉचिज़ मतलब कि लॉजेंजेस अवेलेबल है एंड ये क्रीम तो यूजअली जो है उसकी जो एक्शन है वो हम कहते हैं कि, कि टॉपिकली एक्सन तो वजाइनल टैबलेट्स जो है वो जो वजाइनल म्यूक्सा होता है उसके ऊपर अपनी जो है वो लोकल एक्शन देता है डाइग्रेटली टॉपिकल एक्शन देता है उसी तरह से जो वजाइनल सपोजिटरीज है उसके अंदर भी डायरेक्टली उसकी जो इफेक्ट होती है वजाइना के जो म्यूकस होते हैं उसके ऊपर रहती है तो वो भी टॉपिकल इफेक्ट हुई उसी तरह से ये जो लॉजन जिसे है उसको जस्ट आप आपके ओरल कैबिटिटी के अंदर चबाने का, का काम करते हैं वो टैबलेट को स्वेलो नहीं करनी होती जिसके कारण ये भी टॉपिकली ही काम करेगा कि जो वज आपका ओरल कैविटी का जो म्यूकोसा है उसको डायरेक्टली असर करेगा टॉपिकली तो ये टैबलेट के अंदर ख़ास ये ध्यान रखना है कि जब आप लॉजेंजिस वगैरह यूज़ करते हैं क्लोट्राइमाजोल के कि जो 10 मिलीग्राम की ये लॉजेंजिस आती है तो उसको है डायरेक्टली सिर्फ चबाना ही होता है कि जैसे कोई आप टॉफ़ी वगैरह खाते हैं तो टॉफ़ी या लोली पॉप को जिस तरह से आप आपकी ओरल कैविटी में ही चबाते हैं उसी तरह से ये टैबलेट्स को चबानी होती है कि जिसको कहा जाता है क्लोट्राइमाजोल के ट्रॉचे या फिर उसके लॉजेंजिस और ये जो क्रीम है वो डायरेक्टली जो अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाना होता है कि जिसकी एक्शन होती है फंगिसडल एक्शन। तो क्लोट्राइमाजोल के जो हम बेसिक यूज़ सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन से अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाज़ोल यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले जो उसका पॉपुलर यूज़ है वो है वजाइनल येस्ट इन्फेक्शन के लिए तो यहाँ पे देखो कि वज़ाइनल जो थ्रस होते हैं कैंडिडाइसिस जो होता है कि जो कैंडिडा आल्बिक्स के कारण होने वाला जो वजाइनल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए ये क्लोट्राइमाज़ोल जो है वो फर्स्ट चॉइस बनता है काफ़ी इफेक्टिव मेडिकेशन साबित होती है तो ये उसका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट वजाइनल थ्रस एज वेल एज कैंडीडाइलिस के अंदर कि जिसको हम कहते हैं वजाइनल येस्ट इन्फेक्शन उसके बाद आप सेकंड देखो तो कि जो ओरल थ्रस जो डेवलप होते हैं कि ये जो ओरल थ्रस कहते हैं हम तो ओरल थ्रस की जो ट्रीटमेंट्स वगैरह के अंदर ये यूज़ होता जो होता है कि जो हमने लॉजेंजिस की जो बात की तो जब ये ऐसे ओरल थ्रस ओरल कैविटी के अंदर डेवलप होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी क्लोट्राइमाज़ोल के जो लॉजेंजिस हैं चीवेबल टैबलेट्स वगैरह है वो यूज़ किए जाते हैं फिर तीसरी बात आती है कि जो डायपर रेसिस की छोटे बच्चों के अंदर जो डायपर के कारण जो ये रेसिस वगैरह जो डेवलप हो जाते हैं तो ये जो डायपर रेसिस को भी ट्रीट करने के लिए उसका जो पाउडर वगैरह होता है क्रीम्स वगैरह होती है वो यूज़ किए जाते हैं फिर आप देखो तो पीटेरियास वैरसिकॉलर कि ये वाला डायग्राम के अंदर जो आप कंडीशन देख रहे हैं तो जिसको कहा जाता है पीटेरियास वेरसिकॉलर कि इस टाइप के जो पैचेस जो है वो आपके स्किन के ऊपर देखने को मिलते कि जो इस टाइप का जो स्किन डिसीज़ होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी ये क्लोट्राइमाज़ोल जो है वो टॉपिकली वहाँ पे उसके क्रीम्स वगैरह जो है वो लगाई जाती इवन आप वहाँ पे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं फिर ये जो रिंग वार्म वगैरह डेवलप होते हैं किस टाइप का जो हम रिंग वार्म कहते हैं तो ऐसे जो फंगल के कारण होने वाले जो रिंग वार्मस वगैरह है उसको भी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है बाई यूजिंग द क्लोट्राइमाज़ोल और फिर जो बात आती है एथलेट्स फूज एंड जॉ कीच की किस टाइप के जो एथलेट्स फिट्स के अंदर जो आपके फिंगर्स वगैरह होते हैं फीट वगैरह के तो वहाँ पे इस टाइप का जो फंगल इन्फेक्शंस डेवलप होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल का पाउडर क्रीम वगैरह जो है वो यूज़ किया जाते हैं तो ये हुए उसके बेसिक यूज़ तो समझते हैं सभी को डिटेल में तो सबसे पहले समझिए कि इट इज़ पर्टिकुलरली फेवर्ड फॉर वजाइनाइटिस बिकॉज ऑफ ए लॉन्ग लास्टिंग रेसिड्यूल इफेक्ट आफ्टर वंस अ डेली एप्लीकेसन तो ये जो क्लोट्राइमाज़ोल का समझो कि आप वजाइनल टैबलेट यूज़ करते कि जिसकी स्ट्रेंथ है हंड्रेड एम जी उसी तरह से ये जो क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्राइमाज़ोल के जो वजाइनल सपोजिटरीज होते हैं तो उसको भी ओडी वंस अ डे दिन में एक ही बार जो है वो यूज़ किया हो जो जाता है एंड उसका जो यूजअली जो कोर्स रहता है छः से सात दिन का रहता है कि छः से सात दिन तक आप जो है वो यूज़ कर दे तो वज़ाइनाइटिस मतलब कि जो ये वाला पोर्सन देखे कि जो नॉर्मल वज़ाइना है और ऑट्रॉपिक वज़ाइनाइटिस के अंदर वहाँ पे क्या होती है सूजन होती है इन्फ्लेमेशन जो होता है ये यीस्ट इन्फेक्शन के कारण तो इसके कारण क्या होता है कि कई बार वहाँ पे आपको वाइट डिस्चार्ज जैसा देखने को मिलता है इवन इचिंग होती है वहाँ पर रैसेस जैसा हो जाता है और सूजन हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल के जो वजाइनल टैबलेट जो है वो डायरेक्टली यूज़ किया जाता है और उसको जो है वो आपको दिन में या फिर रात को जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं वजाइना के अंदर एंड डेली में एक ही कि वंस अ डेली एप्लीकेशन के दिन में एक ही बार उसको यूज़ करना है इसलिए देखो ये जो टैबलेट का जो कंटेनर है उसके अंदर भी पैकिंग के अंदर टोटल छः टैबलेट्स दिए हुए हैं तो यूजअली छः दिन या सात दिन तक का ये कोर्स रहता है कि जिससे आपका ये जो फंगल इन्फेक्शन जो है वो वजाइनल इन्फेक्शन है वो आसानी से ट्रीट हो जाता है तो यूजअली छः ही यूज़ किए जाते हैं कि जो टैबलेट आती है सिक्स इंटू वन इज़ इक्वल टू सिक्स डेज तक जो है वह आप उसको यूज़ करते तो ये ख़ास याद रखें छः से सात दिन का ही कोर्स रहता है और उससे कम्प्लीटली जो है वो क्योर हो जाता है उसी तरह से समझो कि आप ये सपोजिटरीज भी यूज़ करते तो वन स्ट्रिप के अंदर तीन सपोजिटरी दी है तो अगर आप समझो कि टोटल दो स्ट्रिप्स लेते हैं तो उसमें भी आपको सिक्स जितनी सपोजिटरीज जो है वो मिल जाएगी तो ये बात हो वजाइनाइटिस के जो इन्फ्लामेशन हो जाता है सूजन हो जाता है वजाइनल इन्फेक्शन कह सकते हैं हम वन टाइप का फिर बात आते हैं ओरल थ्रस की तो ओरल थ्रस मतलब कि ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस कि यहाँ पे देखो इस टाइप का ये जो आप ओरल कैविटी के अंदर देख रहे हैं कि आप ऊपर की ओर देखो या फिर आपके ट के पोर्सन में तो इस टाइप के जो ओरल थ्रस जो है वो डेवलप हो जाते हैं तो ये ओरल थ्रस को ट्रीट करने के लिए क्लोट्राइमाजोल के ये चीवेबल टैबलेट कि जिसको लॉजेंजिस या फिर चीवेबल टैबलेट्स जो है वो कहा जाता है कि जिसको सिर्फ आपको ओरल कैविटी में रख के चबा नहीं होता है कि जैसे कोई आप टॉफ़ी वगैरह खाते जैसे मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको बताया कि जब ओरल कैविटी रिलेटेड कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं इन्फेक्शंस की जो फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए कि ओरोफेरेंजियल फेरेंजियल कैंडिडाइसिस के अंदर 10 मिलीग्राम का ये ट्रॉचे यूज़ किया जाता है और क्लोट्राइमाजोल एंड इज इज टू तो डिज़ोल्व इन माउथ थ्री टू फोर टाइम्स अ डे कि दिन में तीन से चार टाइम कि ये जो टैबलेट्स दिए हैं यहाँ पे कि जिसको लॉजनजिस वगैरह कहा जाता है तो वो तीन से चार बार इवन उसके लोसन फॉर्म भी कई बार बनाए जाते हैं जेल भी होती है इज अप्लाइड एंड सिविल्ड इन द माउथ फॉर ए लॉन्ग एज पॉसिबल कि जितना पॉसिबल हो सके उसको आप अपने ओरल कैविटी के अंदर जो है रखें उसको स्वेलो नहीं करना है आपको वो खास ध्यान रखें तो ये एक काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है कि जब आपको इस टाइप का इन्फेक्शन होता है आपके ओरल कैविटी के अंदर कि जिसको कहा जाता है और कैंडीडाइसिस एक टाइप के जो ओरल थ्रस डेवलप हो जाते हैं और इसके लिए 10 मिलीग्राम का ये ट्रॉचे काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है तो ये हो गया क्लोट्राइमेजोल का यूज़ ओरल कैविटी के लिए जैसे वजाइनल कैविटी में यूज़ हुआ एज अ वजाइनल सपोजिटरी क्रीम एज वेल एज़ टैबलेट के फॉर्म में उसी तरह से उसके जो क्लोट्राइमेजोल के जो लॉजिन जैसे चीवेबल टैबलेट्स वगैरह है ट्रॉचेज वगैरह जो होते हैं वो आप ओरल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं उसी तरह से जो उसके क्रीम्स वगैरह आती है कि क्लोट्राइमाजोल का ये जो आप क्रीम देखो उसी तरह से उसके टैबलेट्स तो उसकी जो इफेक्टिवनेस uh, कितनी है तो इट इज़ इफेक्टिव इन द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया इन्फेक्शन्स जो कहे जाते हैं लाइक रिंग वाम्स कि जब किसी को रिंग वॉम्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए उसकी इफ़ेक्टिवनेस है 60 टू 100 परसेंट क्योर रेट्स आर रिपोर्टेड विद इन टू टू फॉर वीक्स तो मिनिमम दो और मैक्सिमम चार वीक तक आपको ये क्रीम जो है वो अप्लाई करनी होती है कि समझो कि आपको रिंग वार्म हुआ है तो मिनिमम दो वीक या फिर मैक्सिमम चार वीक के अंदर ये जो है वो क्योर हो जाता है एप्लीकेशन ऑन ने ट्वाइस अ डेली एज़ पर द दिड्यूल कि दिन में दो बार जो है वो आपको एटलीस्ट लगाना होता है कि जब आपको रिंग वार्म होता है कि जब पेशेंट को रिंग वार्म का प्रॉब्लम है तो उस वक्त इसके ये जो क्रीम वगैरह होती है या फिर जो पाउडर है वो दिन में दो बार जो है वह आप अच्छे से लगाए दो से चार वीक तक तो सिक्सटी से लेकर हंड्रेड परसेंट जितना क्योर रेट जो है वो आपको मिलता है मतलब कि स्योर अच्छे से क्योर हो जाता है दो वीक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चार वीक के अंदर फिर जो एथलेट्स फूड है ऑटोमाइकोसिस एंड ओरल क्यूटेनियस और वजनल कैंडिडाइसिस हैव रिस्पॉन्डिड इन एट्टी परसेंट केसेस कि जो क्योर रेट है ग्रेटर देन 80 परसेंट जितने केसेस के अंदर सक्सेस रेट आपको मिलता है कि जो एथलेट्स स्पोर्ट्स के पेशेंट है वजाइनल कैंडिडाइसिस है ओरल थ्रस वगैरह के हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिवनेस साबित होती है कि जो ऑन एन एवरेज एट्टी परसेंट जितनी इफेक्टिवनेस रहती है क्लोट्राइमाजोल की एथलेट्स फुड्स वगैरह के अंदर वजाइनल कैंडिडाइसिस के अंदर जबकि रिंग वार्म के अंदर सिक्सटी से लेकर हंड्रेड परसेंट फिर इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन स्किन इन्फेक्शन कोस बाय कोरिनो बैक्टीरिया बट लाइक मोस्ट टॉपिकल एंटीफंगल हैज़ ए पुअर एफिकेसी इन टीनिया कैपाइटिस एंड टीनिया उंगियम कि जो नेल्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन स्काल्प में होता है उसके अंदर ये इतनी इफेक्टिव साबित नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन स्किन इन्फेक्शन कोज बाय कोरिनो बैक्टीरिया कि कोरेनो बैक्टीरिया के कारण जो होने वाला स्किन इन्फेक्शन इसी के कारण जो हमने क्लोसिव पाउडर का जो देखा था तो वो एंटीबैक्टीरियल के तौर पर भी काम करता है कि जब आपको कोरिनो बैक्टीरिया के कारण कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है बट लाइक मोस्ट टॉपिकल एंटीफंगल हैज़ अ पुअर एफिक्सी इन टीनिया कैपाइटिस कि जब टीनिया कैपाइटिस होता है और टीनिया कैपाइटिस यूजली जो एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है आपके स्काल्प के अंदर और आपके नेल्स के अंदर तो उसके अंदर ये जो है वो इफेक्टिव नहीं रहता बट जो कोरिनो बैक्टीरिया के कारण होने वाले स्किन इन्फेक्शन के अंदर ये काफ़ी इफेक्टिव है क्लोट्राइमजोल इज़ वेल टॉलरेटेड बाय मोस्ट पेशेंट लोकल इरिटेशन विथ स्टिंगिंग एंड बर्निंग सेंसेशन अकर्स इन सम पेशेंट नो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी इज सीन आफ्टर द टॉपिकल यूज जब आप उसको टॉपिकली यूज़ करते तो कोई भी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को नहीं मिलती तो नोट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और इफ़ेक्टिवनेस कह सकते कि जब कोई पर्सन उसको टॉपिकली यूज़ उस करता है एज अ क्रीम या फिर पाउडर तो उसके बहुत कम आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर देर इज़ नो एनी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी आफ्टर यूजिंग दिस एज अ टॉपिकली तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब माइनर इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन होती है कि जब आप उसको ओरल कैविटी या फिर वजेनल कैविटीज वगैरह में यूज़ करते हैं तो क्लोट्राइमाजोल का यूज़ जान लेते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो टॉपिकली क्लोट्राइमाजोल इज़ ए कैटेगराइज एज ए प्रेगनेंसी कैटेगरी बी ड्रग की प्रेगनेंसी कैटेगरी के जो अलग अलग होते हैं उसमें प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में आता है ये क्लोट्राइमाज़ोल तो ये खास याद रखिए कि कैटेगरी बी ड्रग है ये एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोट्राइमाज़ोल मे बी एब्जॉर्ब सिस्टमिकली फॉलोविंग टॉपिकल एंड वजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन कि जब आप उसको टॉपिकली या फिर वजाइनल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोट्राइमाज़ोल जो है वो एब्जॉर्ब होता है सिस्टेमेटिकली एंड हवेवर टॉपिकल क्लोट्राइमाजोल इज स्टिल कंसिडर सेफ़ टू यूज़ टू ट्रीट द येस्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंट वुमन कि प्रेगनेंसी के दौरान समझो कि आपको येस्ट इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त ये मेडिकेशन जो है वो सेफ कही जाती है इट इज़ कंसिडर टू बी सेफ टू यूज़ टू ट्रीट द येस्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंट वुमेन एंड इज़ ए सेफर अल्टरनेटिव टू अधर एंटीफंगल कि दूसरे जो एंटीफंगल एजेंट्स हैं उनके कंपेयर में सबसे सेफ़ अल्टरनेटिव मेडिकेसन है ये क्लोट्राइमाजल सो प्रेग्नेंसी के दौरान ये सेफ़ होती है कि जब आप उसको टॉपिकली एंड जो वजनल इन्फेक्शन समझो कि आपको होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं फिर उसकी समझते हैं मेकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्लोट्राइमाजोल एक्सड इट्स एक्सन प्राइमरली बाय डैमेजिंग द परमिलेब बैरियर इन द फंगल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तो एकदम सिंपल मेकेनिज्म है तो ये मेडिकेशन क्या करती है सबसे पहले ये जो फंगल का जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है उसको क्या करता है डैमेज करता है तो ये डैमेज करता है कैसे तो कोई भी फंगल होती है तो उसको उसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है ये अर्गोस्टेरॉल तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के अंदर कि जो अर्गोस्टेरॉल है ये समझो कि अच्छे से फॉर्म होता है तो कोई भी फंगल उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से बना सकेगी तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है स्क्विलिन की स्क्विलिन आगे कन्वर्ट होता है लैनोस्टेरॉल के अंदर लेनोस्टेरॉल में से बनता है अर्गोस्टेरॉल और अर्गोस्टेरॉल को यूज़ करके कोई भी ये फंगल सेल है वो डेवलप करता है अपना सेल मेम्ब्रेन तो ये पूरा सीक्वेंस होता है तो स्क्वेलिन स्क्वलिन में से लेनोस्टेरॉल फिर अर्गोस्टेरॉल और अर्गोस्टेरॉल को यूज़ करके ये फोर्थ नंबर में डेवलप हो गई अच्छे से फंगल की सेल मेम्ब्रेन तो वन से दो जो होता है स्टेप कि क्लाइ स्क्विलिन में से लेनोस्टेरॉल बनने में हेल्प करता है स्क्वलिनो ईपोक्सीडेस एंजाइम उसी तरह से लैनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल बनने में हेल्प करता है लैनोस्टेरॉल फोर्टीन अल्फा डी मिथाइलिस एन्जैम अब ये जो हमारे मेडिकेशन है जैसे कि कीटोकोनाजोल है फ्लूकोनाजोल है एंड क्लोट्राइमाज़ोल कि ये जो आज की हमारी ये मेडिकेशन है तो ये क्या करती है इनहिबिट करती है ये एक्सन कि जो लैनोस्टेरॉल फोर्टीन अल्फा डी मिथाइलिस जो एनजाम है उसकी एक्टिविटी को कर देगा इनहिबिट जिसके कारण अब क्या होता है कि क्लोट्राइमाजोल देर बाय इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ अर्गोस्टेरॉल इन ए कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडिंग मैनर थ्रू द इनहिबिशन ऑफ मिथाइलेशन ऑफ फोर्टीन अल्फा लेनोस्टेरॉल कि ये क्या करता है इसको कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है इसकी एक्टिविटी अगर ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो लेनोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्क्विलिन से भले लेनास्टेरॉल बनता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लेनास्टेरोल से आगे अर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली इनहिबिट होना चाहिए कि जिससे कारण अर्गोस्टेरॉल का बायोसिंथेसिस नहीं होगा तो आगे फंगल का सेल मेम्ब्रेन भी डेवलप नहीं होगा जिसके कारण ये कौन से टाइप की एक्शन देगा तो फंगिसिडल कि जब कोई भी फंगल जो है उसका ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बनता तो अगर उसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है तो वो सेल जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है डैमेज होता है इस तरह से ये अपनी एंटी फंगल एक्टिविटी देती है ये क्लोट्राइमाजोल ड्रग तो काफ़ी सिंपल मेकेनिज़्म है एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो ये लैनोस्टेरॉल 14 अल्फा डी मिथैलिस है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करना ये एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो अर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा और अर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा तो फंगल का सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगा बिकॉज फंगल के सेल मेम्ब्रेन डेवलप होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये अर्गोस्टेरॉल का तो अर्गोस्टेरॉल का बायोसिंथेसिस ही इनहिबिट कर देता है ये क्लोट्राइमाज़ोल तो ये सिंपल मेकेनिज्म उसका याद रखें तो अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स जान लेते तो जब ओवर हो जाता है एक्सेसिव यूज हो जाता है क्लोट्राइमाजोल का तो उसके कारण जो साइड इफेक्ट्स जो डेवलप होते हैं एस फॉर साइड एनी फॉर इफ़ेक्ट तो सबसे पहले होने वाले साइड इफ़ेक्ट है नोज़िया इन वॉमिटिंग कि जो पर्सनस को नोज़िया जैसा फ़ील हो रहा है जी में चलता है और फिर वामिटिंग हो जाती है कुछ केसेस के अंदर एक्सेसिव यूज़ के कारण पर्सनस को डायरिया भी होते हैं फिर कई बार एक्सेसिव यूज़ के कारण स्किन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि रेसिस होना हाइज वग़ैरह होना ब्लिस्टर्स डेवलप होना बर्निंग होना इचिंग पीलिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग्स वगैरह डेवलप होना आपके स्किन के ऊपर तो जितना उसको प्रिस्क्राइब किया है इतना यूज़ करें बिकॉज जो एंटीबायोटिक और साथ में आर लिखा हुआ मतलब कि प्रिस्क्रिप्सन बेस्ड मेडिकेशन है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें प्रॉपर उसको प्रिस्क्राइब एमआर में कि आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कितने प्रिस्क्राइब करते हैं कितने दिन तक लेना है तो प्रॉपर सुपरविजन के साथ ही ये क्लोट्राइम एंटीफंगल एंटीबायोटिक को यूज़ करना चाहिए कि जिससे ये जो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं फिर क्लॉन्ट्राइंडेसन की बात करें तो कब उसको यूज़ नहीं करना है तो कई बार ऐसे टाइप का आपको वजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलता है कि जिसके अंदर सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि एबडोमिनल पेन होता है फीवर होता है 100 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा एंड फाउल स्वेलिंग वजैनल डिस्चार्ज तो ये तीन सिम्टम्स जब आपको होते हैं तो आप क्या करते हैं सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और कई बार क्लोट्राइमाजोल का ये क्रीम लगा देते हैं या फिर क्लोट्राइमाजोल के वजाइनल टैबलेट यूज़ कर लेते हैं तो ये जो है वो कम्प्लीटली गलत है तो फीमेल शुड नॉट बी सेल्फ ट्रीट विथ इंट्रा वजाइनल क्लोट्राइमाज़ोल प्रोडक्ट इफ़ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट क्या भी जो मैंने ये तीन सिम्टम बताए ये तीन सिम्टम्स है तो आप गलती से भी ये क्लोट्राइमाज़ोल जो है वो यूज़ ना करें क्यों यूज़ ना करें बिकॉज इससे ये कंडीशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है बिकॉज़ ये जो तीन सिम्टम्स है कि जब आपको एब्डोमिनल पेन भी है फीवर भी है फाउल स्मेलिंग फाउल स्मेलिंग होती है वजाइनल डिस्चार्ज से तो ये कहा जाता है दूसरे टाइप के वजैनल इन्फेक्शन एज वेल एज़ जो पैल्विक इन्फ्लामेशन होता है पैलविक इन्फ्लामेटरी जो डिसीज़ कहा जाता है पी तो ये उसके सिम्टम होते हैं और पी का जो ट्रीटमेंट है वो अलग से होता है तो उस वक्त ये क्लोट्राइमजोल की ना ही इफ़ेक्टिवनेस होती है और ना भी कोई असरदार साबित होता है उससे फिर और ज़्यादा ख़राब होता है ये कंडीशन तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें अच्छे से डायग्नोसिस के बाद ही क्लोट्राइमाज़ोल यूज़ करना चाहिए बिकॉज समझो कि आपने गलती से ये क्लोट्राइमाज़ोल ले लिया तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं तो ज़रूरी है कि अच्छे से सिम्टम्स वगैरह देखें कि एबडोमिनल पेन है फीवर है साथों साथ, साथ एंड जो स्मेल आती है वजनल डिस्चार्ज में से तो उस वक्त क्लोट्राइमाजोल जो है वो आपको यूज़ नहीं करें सो नॉट सेल्फ ट्रीट विथ इंट्रा क्लोट्राइमाजोल तो ये ख़ास ध्यान रखें कि ऐसे जब सिम्टम्स हो तो उस वक्त क्लोट्राइमाजोल को यूज़ ना करें उससे आपकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है सो so, एक और कन्फ्यूज़न है है डोंट कन्फ्यूज विथ कोट्राइमोगजाजॉल कई बार जो हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन एडर के अंदर जो रीडिंग के दौरान जो क्लोट्राइमाजोल एंड कोट्राइमोगजाजल के बीच में कई बार कन्फ्यूज़न होता है तो जो कोट्राइमोक्साज़ोल है वो एंटीबैक्टेरियल ड्रग है कि जो सल्फामिथोक्जाजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है सो तो डोंट कन्फ्यूज़ विथ क्लोट्राइमाज़ोल के कई बार ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस भी होते हैं कि जिसके अंदर क्लोट्राइमाज़ोल है तो उसके बजाय गलती से कोट्राइमोक्साजोल यूज़ कर लिया जाता है या फिर कोटराइमाजाजोल की जगह क्लोट्राइमाज़ोल तो दोनों का अच्छे से स्पेलिंग आपको देखना चाहिए कि क्लोट्राइमाज़ोल और इसका जो स्पेलिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंस तो नहीं है बट सिमिलर स्पेलिंग है तो अच्छे से जब प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जब रीड किया जाता है तो ही ये एरर जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते कि जो को फिर यहाँ पे भी ट्राई है एंड जोल यहाँ पे भी है तो ये खास ध्यान रखना है कि जो डोंट कन्फ्यूज़ विथ क्लोट्राइमाजोल एंड कोटराइमोगजल बिकॉज एक एंटी फंगल है और दूसरा एंटीबैक्टेरियल मेडिकेशन है इट कंसिस्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रीम इन फाइव पार्ट ऑफ सल्फामिथोक्जाजल एस एम एक्स टी एम पी फाइव जम वन रहता है कि जो हमने डिटेल में सीखा था ये टी एम पी एंड एस एम एक्स के बारे में तो ये खास ध्यान रखने की आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कोट्राइमोग्जाजोल के साथ तो दोनों कंप्लीटली अलग अलग मेडिकेशन हैं क्लोट्राइमाजोल जो एंटी फंगल है जबकि कोटराइमोजाजोल जो है वो एंटीबैक्टेरियल है तो दिथ था स्पेशल लेक्चर अबाउट द क्लोट्राइमाजोल ड्रग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मोरॉक्स के ऐप ऊपर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट